उसके अंदर बस बीमारी आ रही है, दिन बदलो मुझे बड़ा होना चला जा रहा है।
मंदिर कमजोर नहीं नजर आ रहा है, कई उसकी कमर में दर्द है, कई उसके पेट पीट में दर्द है, और कई और किसी चीज पर उसको मसला हो गया है, और कई किसी मामले के अंदर जो उसको क्या हो, लेकिन वो खाना हर टाइम खा रहा है, लेकिन क्या वो एक खाना उसे जो है परवरिश की तरफ लेकर के जा रहा है, उसी जो मजबूती की तरफ लेकर के जा रहा है, उसी उसके कुआ को मजबूत कर रहा है, उसकी हड्डियों को मजबूत कर रहा है, और जिस अंदर जान ढूंढ रहा है, और वही खाना जो शुरू में बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, वो खाना जो शुरू से क्या हो रहा है, उसको कमजोरी की तरफ लेकर के जा रहा है, उसकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है, और दिन ब दिन जो है क्या हो रहा है, उसे कमर की तरफ लेकर के जा रहा है। क्या हो रहा है, रब्बे से जलाल हम तो शुरू यहां तक आए, इंसान जो समझता है खाना खाएगा उसके अंदर मजबूती आएगी, उसके कुआ मजबूत होंगे और उसके अंदर मोहन पैदा होगी, लेकिन दोस्तों जब तक रब्बे से जलाल का हुक्म है ये खाना जरूर मोहन पैदा करेगा, लेकिन एक वक्त वो आएगा ये खाना अपना काम करना बंद कर देगा, फिर इंसान मजबूर वहां से जाएगा, और एक और रब्बे से जलाल का हुक्म का जो है दोस्तों ये रहम का मोहताज होगा, फिर उस वक्त इन लोगों को जो सलाह देता हूँ मिलेगा अल्लाह रब्बे से जलाल हर मखलूक के पीछे चरित्र दरिंदे पाएंगे नबातात जमादात हैवानात हर एक के पीछे रब्बे जलाल का हुक्म कायम फरमाए, और दुनिया की कोई भी चीज एक छोटी या छोटी सी मखलूक वो भी रब्बे जलाल के अम्र के बगैर नहीं है। लेकिन दोस्तों ये हुक्म समझ में कब आया, जब ये अपनी जिंदगी की सारी उम्र को और इसी तरीके से एक लंबे उम्र में जो दोस्तों पार कर चुका है, अब इसे समझ में आया अल्लाह रब्बे जलाल की जात बहुत बड़ी जात। लेकिन दोस्तों को समझने की जरूरत दोस्तों अभी है, अल्लाह ताला ने ये जवानी दी है, ये सारे चीजें उम्र के लिए जिस तहलीज पर हमने रखा है अल्लाह ताला का शुक्र वही हमें बजाना है, और उसी हाल के अंदर दोस्तों को आजमाइश के अंदर दुनिया की कोई भी चीज अल्लाह ताला के मोहब्बत के बगैर नहीं है, और रब्बे जलाल से छुपी हुई नहीं है, और रब्बे जलाल के अमर से अलग नहीं है, वो अल्लाह रब्बे जलाल की बात आते हैं अमानत की अदाई क्या है, जिसकी
चाह रहा है उस तरीके से दृष्टि जो हजार रुपए इस अमान की सबसे बड़े अदा की यही होगी और सब में हमारे लिए सबसे बड़ा बेहतरीन सौदा ये होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस रूह को हमारे जिस्मों में अमानत रखी है और इस अमानत की हक की अदायगी की है कि जिसकी अमानत है ये रब्बुल इज्जत जलाल की अमानत है हमारे जिस्मों में और रसूल इस अमानत की हक की अदायगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से हम जिंदगी गुजार करके दे दे आसुल्लाह रसूल ने बेहतरीन जिंदगी हमें बताई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो गांव में इस अमानत की हक की अदायगी हो जाए। बाकी सारी चीजों में सारे मामला और दुनिया के सारे मामले अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के अमरों में बजा ला रहे हैं। इंसान का मामला ऐसा है कि जब इसका वक्त मुकम्मल होगा इसे बुला लिया जाएगा, लेकिन हाँ जिंदगी और मौत के दरमियान का जो हिस्सा है इसे अपने नबी मुसा को बताया गया है। हाँ देखो तुम्हारा मौका यहाँ पर है, तुम्हारा नुकसान यहाँ पर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की फरमा बताई और इताअत करकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक आपके तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इसमें हम सब का नफा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में और अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की नाफरमानी के अंदर हम सब का नुकसान है। और इस्तिमाई फरमा बरदारी में इस्तिमाई फवायद है और इस्तिमाई नाफरमानी के अंदर हमें बहुत आसान और नुकसान को जरूर आए। जब कोई चीज इस्तिमाई तौर पर जब होती है उसका खतियान इस्तिमाई तौर पर बदलता है, उसका आजाद इस्तिमाई तौर पर बदलता है। अब सब कोई बात करना चाहिए सबसे पहले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिना हो। मैं दुनिया के सारी चीजों के अंदर बात में हूँ, दुनिया की सारी चीजें बाद में, मैं किसी दुकान का बड़ा हो लेकिन बाद में, मैं किसी घर का बड़ा हो लेकिन बाद में हो, मेरे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे क्या चाहते हैं, इतना बड़ा एहसान किया है हमने कोई अर्जी मर्जी नहीं की मानी, इतना बड़ा एहसान अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, इंसानों ने अशरफ मखलूकात बनाया और सारे मखलूक से हटा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, उसके साथ साथ ईमान वाले घर में पैदा फरमाया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अभी कहीं कोई कमी रह गई, कोई कमी नहीं छोड़ गई, लेकिन दूसरों को कमी सारी हमारी तरफ से, हमने कमी की है जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल चाहते हैं। इस तरीके से हमारी जिंदगियां गई है, कहीं ना कहीं नौकरदारी हुई है, कहीं ना कहीं रिश्ते के अंदर खटास आई है। जैसा हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होना चाहिए उस तरह का हमारा रिश्ता आज नहीं है। उस रिश्ते में तो दूरी आई है, दूरी इस दूरी को दूसरों को ऊपर से बदलना है कि हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला ने ईमान दिया है, ये ईमान भी अमानत है और दूसरों की जान भी है, जिसको हम रूह कहते हैं ये रूह भी हमारे जिस्मों का अमानत है। ये सारा जिस्म हमारा, ये हाथ हमारे काम कर रहे हैं, ये हमारी आंखें काम कर रही है। इंसान कोई भी चीज खाता है उसके जायकों को महसूस करता है, खट्टा है मीठा है कैसा भी है उसके जायकों को महसूस करता है। ये सारी चीजें कब है, जब तक उसके जिस्म के अंदर रूह है और जहां ये रूह निकल गई उसका जिस्म सही सलामत है लेकिन हाथ काम नहीं कर सकता है, उसकी आंखें सही सालिम है लेकिन वो देख नहीं सकती है, उसकी जुबान सही सालिम है लेकिन वो बोल नहीं सकता है, कुछ खाए उसको महसूस नहीं कर सकता है। दोस्तों सारी चीजों से दूर हो चुका, क्या हुआ उसके जिस्म के अंदर रूह थी जो अमानत थी और उस अमानत को बर्दाश्त कर रही। इसलिए ये जिंदगी हमारी हमारे पास अमानत है और ये बात हमने सुझला ने अपना भरा है, ये बात दूसरों हमारे पास अमानत है, इसकी अमानत के हक की अदायगी है। अल्लाह ताला ने बाद में जिन जिन चीजों को दूसरों हर्ज फरमाया है, जिन जिन चीजों को वाजिब फरमाया है, उन सारी चीजों की हम सच्ची पक्की नियत करें कि अल्लाह ताला ने हमें पाल दिया है, इतना पाल हमें दिया है, हम शरीयत की नजर में
شریعت مطہرہ کے نظر میں مالدار ہے تو اس مال کے حق کی ادائیگی ہم ضرور ضرور کریں گے. چاہے مال کے حق کی ادائیگی کہ جس کے پاس ساڑھے پاؤں سونا چاندی ہے ساڑھے سات تولہ سونا ہے یا اس کے برابر رقم ہے اس کے برابر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ چاندی کے ساڑھے پاؤں تولہ کو پہنچ جاتا ہے وہ غریب نہیں ہے. شریعت مطہرہ کی نظر میں وہ شخص مالدار ہے. اس کے اوپر زکات واجب ہے, اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اور اسی طریقے سے قربانی واجب ہے. اور دوستوں حج کے زمانے کے اندر جیسے زلیج کا مہینہ چل رہا ہے بہت سارے لوگ اس مشکل یہ مالداری کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جس کے پاس اتنا مال ہے مال استطاع ہے لیکن سمیلا کہ جس کے پاس اتنا مال ہے وہ آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے وہاں جا کر کے واپس آ سکتا ہے اور اس دوران اس کے گھر کا خرچ مکمل ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں پر رب العزت نے حج کو فرض بنا دیا. یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ سارے احسان چھوڑے لیکن دوستوں اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس کو تو ہم کم سے کم ضروری سمجھے اس کو تو ہم مکمل کریں. بلانا نہیں بلانا کون آپ ہمیں سے جو انتظار کا کام ہے جیسے ہماری نیت ہوگی اللہ تعالیٰ مستقل سے فیصلے ہوں گے اور ہمیں بلائیں گے. لیکن دوستوں یہاں رہ کر کے ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج کو فرض فرما دیا ہے پر ہم حج نہیں کر رہے دوستوں بہت بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. اور جو آیا ہے جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہا ہے حج کرنے کی نیت نہیں ہے جانے کی نیت نہیں ہے اس معاملے کا کوئی بھی جو دوستوں جو پروسیس جو ہوتا ہے وہ بھرنا اور ساری چیزوں کو مکمل کرنا اس کے اندر بھی وہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ایسے شخص کی موت کی کوئی بھی گارنٹی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ شخص یہودی ہو کر کے بنے گا یا پھر نصرانی ہو کر کے بنے گا یہ پکا ہے وہ مسلمان نہیں بنے گا. کتنی بڑی سخت قوانین ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شہر میں جانا ان تمام لوگوں کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بار دیا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے اور وہاں جا کر کے واپس آتا آ سکتا ہے. رب العزت ایسے لوگوں کے اوپر حج کو فرض فرمایا ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے ان ارکان کو مکمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چادر پر جا کر کے آپ کو اپنے جو ہے زبان مبارک سے آپ کو خود جو ہے اپنے سامنے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایسے لوگوں کی جو لوگ جن لوگوں کی نیت نہیں ہے جانا نہیں چاہتے ہیں جبکہ حج فرض ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایسے لوگوں کی موت کی کوئی گارنٹی نہیں. وہ یہودی ہو کر کے مرے گا یا وہ نصرانی ہو کر کے مرے گا لیکن وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے نہیں جائے گا. یہ ساری زندگی کمائی کر گئے ساری زندگی مسجدوں میں دوستوں کاموں کے شامی کو دیکھا ہے اور ساری زندگی نماز میں گزری ہے لیکن دوستوں کا اللہ تعالیٰ نے مال دیا نا مال کا حق تھا اس مال کے حق کی ادائیگی نہیں کی جس کی وجہ سے اتنے برے خسارے کے اندر ہوا ہے. اس لیے دوستوں ہم سب جو یہ نیت کریں کہ جس کے پاس اتنا مال ہے ضروری نہیں ہے سماج میں لوگ کیا سمجھیں سماج کو سمجھنا ضروری نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کو سامنا کرنا ہے وہاں سامنا جس کو کرنا ہے اور دوستوں اس اعتبار سے اپنی زندگی کی دوستوں تیاری کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سے کہ سلام علیہ وسلم کی دعا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.